तुम्हारे पैर के नीचे एक पेपर है, वो लेना है। अरे आप कहे कष्ट कर रहे हैं, आप हमारी माँ का सामान है, अच्छा नहीं लगता, हम उठा देते हैं। अरे थैंक यू, चलते। कुछ मिला क्या? नहीं कुछ भी नहीं मिला। अरे सारे लूप होल्स इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से छिपा के रखे, लेकिन कोई ना कोई सुराग जरूर मिले। सारी कोयले के खाने, सारी रियल एस्टेट जो इस आदमी के पास है, मिनिस्टर्स ने पास की। कौन है वो दो लोग जिनकी वजह से पिछले 18 साल में बच्चा सिंह ने इतना पैसा कमाया है? बच्चा सिंह की चाबी है कौन? देखिए, ये है वो चाबी और ये है वो लोग। यानी इसके घर में। लेकिन ये बच्चा सिंह पर इतनी मेहरबानी क्यों करेगा? दोनों की मिली भगत है, दोनों मिलके कमा रहे हैं पैसा, लूट रहे हैं जनता का हक। कहीं ना कहीं से यही तो पता लगाना है कि अगर दोनों की मिली भगत है तो डीलिंग्स के पेपर हैं कहां। अरे नीलिमा दयाल मैडम, आप कितना भी फाइल का पढ़ाई कर लो, हम कोई बुड़बक हैं का जो आपके ऑफिस में कौन सबूत छोड़ेंगे? सुनिए सुनिए, बेबी ठीक नहीं है, हमको लगता है उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये तुम और तुम्हारा बेबी, ये कैसा बच्चा पैदा की हो तुम कि वो हर अगले दिन बीमार पड़ जाता है, और नहीं कुछ तो ससुरा आप ही गिर जाता है, और फिर तुम हमारी जान खाती हो। अरे कोई और नहीं है का? हुँ? तुम्हें कोई और नहीं मिलता का इस घर में? किससे बात करें हम? हमसे बड़ी जो आपकी बेटी है वो हमारी बात नहीं सुनती। जब भी हम उसे वही बात कहते हैं वो हमें इस तरह देख के चले जाती है जैसे कि हम वहां खड़े ही ना हो। उससे तो बात भी करना, हमारा बेटी के बारे में दोनों बात करने की जरूरत नहीं है, समझे? और उसका कोई भी शिकायत सुनना हमको पसंद नहीं है। एक बात हम तुमको एक बात फिर से समझा देते हैं कि हम इस पूरी दुनिया को संभालते हैं, और हमारी बिटिया वो हमारी पूरी दुनिया को संभालती है। अरे वो दिल है हमारा, दिल वही हमको कंट्रोल्स करती है। तीन टिकट देना। मैम हाउसफुल है, दो ही मिल पाएगा। दो ही दे दो। ओके मैम। मैम ये क्या कर रही हैं? हमारी क्या मजाल हम आपसे पैसा लेंगे? बच्चों को मिठाई खिला देना। अरे यार तू दो टिकट ले रही है पर हम लोग तो तीन हैं। डोंट वरी, तीसरा टिकट भी मिल जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। पूरे पाटलिपुत्र में एक ये तो है जो माल नहीं बमाल है, पता नहीं किसकी किस्मत में धमाल मचाएगी। अरे जब तक कोई ट्राई नहीं करेगा तो फटेगी कैसे? गर्मा गर्म गुलाब जामुन, एक बूंद चाशनी की हमें भी पिला दे तो मजा आ जाए। क्या कर रहे हो? जानते हो किसकी बेटी है? तुम्हारे बाप की, भानु प्रसाद की, भानु प्रताप की बेटी है।
मतलब दीदी को बोल रहा था, मुझे मुझे पता है भानु प्रताप की बेटी है। कुछ कहा तुमने? सीटी बजाई। अब यहाँ किसी को गुलाब जामुन खाने थे ना? नहीं नहीं दीदी, हम तो बस बोल रहे थे। नाम जानते हो मेरा? मेरे बारे में ही बात कर रहे थे ना? जी जी जी। क्या क्या जी जी? जी जी याद आ गई। जानते हो मेरा नाम क्या है? खड़े रहने में कांपते हो, बोलने में हकला रहे हो, चलोगे तो लड़खड़ाओगे। तुम्हारी आंखों ने तुम्हारा साथ दे दिया मेरी तरफ देखने से पहले। बोलो क्या नाम है मेरा? अरे बोलो, अब खड़े क्या हो? सांस अटक गई है तुम्हारी? हाँ बोलो क्या नाम है मेरा? बोलते हो या पापा को बुलाओ? तनुश्री जी। अगर मुझ पे इतना मरते हो तो डरते क्यों? अरे लोग तो इश्क में फना हो जाते हैं और तुम मेरे डांट से डर गए? हाँ पतलून गीली हो गई। अरे क्या करोगे फिल्म देख के? टिकट लाओ। घर जाओ और जाके नहा लो। ये लो साबुन भी ले लेना, तेरी टिकट भी हो गई। चल। वैसे तुझे मजा तो बड़ा आता होगा ना? लोग तेरे बाप से इतना डरते हैं और तुझे ताड़े बिना रह भी नहीं पाते। अब रोज रोज मजा नहीं आता, टकटकी लगा कर तो ऐसे देखते हैं जैसे खा ही जाएंगे। और सामने आते ही कांपने लगते। मेरा हाथ तो वो थामेगा जिसमें हिम्मत हो मेरे बाप की आंख से आंख मिलाकर बात करने की, और वो जो मेरे हुस्न के सामने अपनी पतलून गीली ना कर दे। इतना दम किसमें होगा यार? कहीं ना कहीं तो कोई होगा भी जो मुझे देखे और उसके दिमाग की घंटी भी ना बजे, तभी तो मजा आएगा। कोई तो होगा जो मुझे भी इग्नोर कर सके, तब बात होगी लेवल की। साला कोई मर्द मुझे भी तो मना करके दिखाए। उस प्यार का क्या मजा जो आसानी से हासिल हो जाए? प्यार में मजा तो तब आता है जब प्यार में तकरार हो, तड़प इंतजार हो, और मैं तो चाहती हूँ कि वो मुझसे प्यार ही ना करे, मैं उसे मजबूर करूं मुझे प्यार करने पे, जब मुझे यकीन भी ना हो कि वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। तू भी ना यार एकदम अजीब है, तुझे चाहिए टकरार, तड़प। वाह भाई कमाल है। तनुश्री को लाइफ में सब कुछ बहुत आसानी से मिला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी लव स्टोरी में तड़प हो, पागलपन हो, एकदम धमाकेदार लव स्टोरी हो मेरी। सॉरी। एक्सक्यूज मी। बड़ी जल्दी में सोच तो लो, सॉरी के अलावा कुछ और कहना तो नहीं चाहते मुझसे? हाँ अगर जोर का लगा हो तो फिर से सॉरी कहो तो लोरी सुना दें। नहीं? हाँ तो फिर टाइम पास करोगा हमारे साथ? जाके काम करो ना अपना। बढ़िया एक्सक्यूज मी की। अनुश्री
कितना अकड़ू लड़का था और तूने उसे जाने भी दिया। इस लड़के ने मुझे कोई भाव ही नहीं दिया, ना ही ये डरा और ना ही मुझे देख के इसके दिल की घंटी बजी। जो भी है तो दमदार, लेकिन ये है कौन? अरे अर्जुन भैया को क्या हो गया? का संडे को मिलना है? संडे सुबह? हम बताते हैं ना बाद में। अरे हम भी मिलना चाहते हैं, पर पता है ना हमारे घर का नियम का है। हाँ कोई आ रहा, एक मिनट। संडे को भी सुबह कंप्यूटर क्लास है? अर्जुन भैया को क्या हुआ? हाँ क्या हो गया अर्जुन बाबू तुमको? अरे ख्यालों के चक्कर में होश ही घूम हो गया। होश में आओ, सही बात तो है, इतना चोट का एहसास नहीं हो रहा है जितना कि चुम्मा का हो रहा है। आई बात है, दरवाजा भी खुल गया। चलो पूर्वी, तुम अभी भी मुस्कुरा रही हो और वो भी इतना सब कुछ होने के बाद तुम मुस्कुरा सकती हो। नहीं की दुल्हन जी, जरा भीतर आना जी। आओ बैठ। हम समझते हैं कि तुम्हारी शादी जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो पाई। हमारा मतलब है कि जैसे तुम्हारे घर में होती है। हम बोले तुम्हारे ससुर जी से कि एक प्रोग्राम कर देते हैं, लेकिन वो मना कर दिए। अब तुम इस घर की बहू हो चुकी हो तो समझती हो ना जी। वो सही बोल रहे हैं। हम कब से मौका ढूंढ रहे थे कि तुमसे बात करें, तुम कुछ कहोगी नहीं जी। हमको ठीक से पता नहीं है कि तुम्हारा शादी किन परिस्थिति में हुआ। हमको समझ नहीं आ रहा है कि अचानक कैसे वतन से शादी करने को तैयार हो गई, एकदम ही अचानक अपना फैसला बदल दी। देखो दुल्हन, तुम हमको अपना माँ समझो। अब सारी उम्र हम दोनों को साथ ही में रहना है। हम पे विश्वास करोगी तो सब कुछ आसान हो जाएगा। जो कुछ भी हुआ है तुम हमको बेझिझक बता सकती हो। कह दो कि क्या हुआ था। बस इतना ही कह रहे हैं कि हमारे दिल के हिसाब से अगर नहीं हुआ तो हम फिर किसी की जान की जिंदगी का गारंटी ले नहीं सकते। बस सब कुछ साफ कर देंगे। ये तुम्हारा मम्मी, तुम्हारा डैडी, लक्स का पूरा फैमिली, और तुम तो जानती हो, अच्छी तरह से जानती हो कि जब हमको कोई चीज अच्छी लग जाती है तो हम ले लेते हैं। और प्रॉब्लम क्या है? अरे तुम लक्स से प्यार करती हो, शादी हमसे कर दो, लक्स बच जाएगा और हमारा इच्छा पूरा हो जाएगा। नहीं, हमने ये फैसला अचानक नहीं किया। असल हमें पता चल गया था कि वतन हमसे बहुत प्यार करते हैं और ये वो हर खुशी दे सकते हैं जो हर एक लड़की चाहती है। और लक्ष्य की फैमिली, वो तो पूरे शहर से बस लड़ती भिड़ती रहती है। हम वहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे।
इसीलिए ये फैसला किया। और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है नई की दुल्हन, हम अपने पति परमेश्वर और सुपुत्र दोनों को ही बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम चाहे ये झूठी बोल रही हो, लेकिन तुम इस झूठ को मान के अपने आप को वतन का वाइफ मान लो। काहे कि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो तुम्हारे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। और जब इस झूठ को सच मानने लगोगी तो धीरे धीरे यह सच लगने लगेगा और तुमको शांति मिलेगी। हमको मन की शांति नहीं चाहिए और हम कभी भी इस घर को अपने पति का घर नहीं मानेंगे, जिसने हमारी पूरी दुनिया पूरी जिंदगी हमसे छीन ली उसे अपना पति कभी नहीं मानेंगे, बल्कि हमारी खुशियां छीनने वाले की हर खुशी को दुख में बदल देंगे। अरे कोई फायदा नहीं है इसे पूछने का, ये कुछ नहीं बताएगी। लेकिन हमको पता है कि इस शादी के पीछे कोई ना कोई बड़ा कांड छुपा हुआ है। और कोनो भी बात का परेशानी हो तो बेझिझक हमारे पास आना। जाओ अपने कमरे में थोड़ा सुस्ता लो। हम अम्मा से बात करने आए थे। निशा, उस रात क्या हुआ था हमें बताओ ना। मतलब हम कुछ समझे नहीं। हमसे काहे शर्मा रही हो? उस रात तुम्हारे और वतन के बीच क्या हुआ, कैसे हुआ, बताओ ना। एक ही रात में अपने होने वाले पति को छोड़कर वतन से शादी कर ली। उस रात कुछ तो मसालेदार हुआ ही होगा, क्यों? कुछ नहीं, वो दरअसल हम बहुत थक गए थे ना, तो फिर तो मतलब छोड़ी उसने, कुछ नहीं किया। लो, हम समझ रहे थे कि हम अभी आते हैं। निशा, आज ऐसा नहीं होगा, ये हम बता दें तुमको। सुहाग रात वाले दिन उन्होंने छोड़ दिया तुम्हें, लेकिन आज किसी भी हालत में वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। अरे अपने दोस्त की होने वाली दुल्हन उनके पास है, अब तक तो खुशी के मारे पागल हो गए होंगे। आज तो सारी कसर निकालने वाले हैं वो। पानी, अर्जुन बाबू ये कहाँ करने जा रहे थे तुम? अरे इतनी मुश्किल से पूर्वी तुम्हारे करीब आई है, पहले प्यार का पहला चुम्मा दिया तुम्हारे गाल पे, पहले प्यार का पहला निशानी, और उसी को मिटाने जा रहे थे पानी से। वाह, ना 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 ना, ऐसा ना, ऐसा गलत तो हम कभी नहीं करेंगे। हाँ पूर्वी, हमसे जितना हो पाएगा हम करें, लेकिन तुम्हारी प्यार का निशानी को मिटने नहीं देंगे।